गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल ग्रैंड्स मॉम ऑन ड्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। रियांश देखिए क्या आपको दिखा रहे हैं, ये क्रैक्स में निकला हुआ है वही दिखा रहे हैं। हेलो बोलो रियांश। और आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ वाफला बाटी, दाल वाफला बाटी। चलिए चलते हैं किचन में, और टाइम भी हो गया है, बनाने में भी टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं, हम आ गए हैं किचन में और बनाते हैं दाल वाफला बाटी। सबसे पहले मैं दाल बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं वाफला और बाटी बनाऊंगी। चलिए क्या क्या दाल ली है मैंने। सबसे पहले मैं दाल बना रही हूँ, ये मैंने पंचमिक्स दाल ली है, और मतलब मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या फिर जो भी आपके घर में दाल है सभी को मिक्स कर लीजिए, मिक्स दाल हो जाएगी। और इसमें मैंने 5 किलो अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, काली मसूर है और रेड मसूर भी है, और अरहर की दाल है। जितनी भी दालें होती है ना नॉर्मली जो हम खाते हैं, पंचमिक्स दाल बनाई जाती है इसमें, तो मैं ये सारी दालें ले ली मैंने, और इससे मैं वॉश कर लूँगी। नॉर्मली जिस तरह दाल बनाते हैं फिर इसका तड़का लगाएंगे। चलिए मैं दाल को वॉश कर लेती हूँ। दिखा लूं? नहीं बेटा, ये मैंने जो दाल ली इसे मैं दाल दी कुकर में, दाल कुकर में बना रही हूँ। आप हांडी भी बनाएंगे तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं ये दाल बना रही हूँ फटाफट। ये दाल थोड़ी ज्यादा गाढ़ी, मतलब मीडियम दाल होती है ना, ज्यादा गाढ़ी ना पतली। एक कटोरी मैंने दाल ली तो मैं 2 कटोरी लगभग पानी डाल रही हूँ, 2 से 2.5 कटोरी पानी डालेंगे, वो थिक हो जाएगी क्योंकि सभी दालें मिक्स हैं। तो फटाफट बना लेते हैं इसको। और 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी डाला। और मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ क्योंकि दालें जो है ना जल्दी से गल जाएं, इसलिए थोड़ा सा 1 चम्मच घी है, आप रिफाइंड डाल सकते हैं। और इसे दो दाल हमारी बन चुकी है, और मैं अब दाल का तड़का लगाने जा रही हूँ, दाल को फ्राई करने जा रही हूँ। तो हमने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया, आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं या सरसों का तेल, कुकिंग ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, मैंने जीरा हमने डाल दिया, तड़क गया हमारा जीरा। और मैंने 1-2 मैंने प्याज लिए मीडियम साइज़ के, इसे चॉप कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च लिए, इसे लंबा लंबा मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है, और इसे लगभग गोल्डन ब्राउन होने तक आप भून लीजिए। प्याज हमारा लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और मैंने कुछ टमाटरों को काट के रखा है। मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए थे, टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा जाते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 3 टमाटर को बड़े बड़े मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है, और इसे काटने के बाद इसमें डाल दिया है। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल, टमाटर के अकॉर्डिंग ही नमक डाली क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी नमक डाल रखा है। और फिर मैं थोड़ी सी हरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, जितना आप तीखा खाते उतना आप डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली, हम थोड़ा कम तीखा खाते हैं बच्चे की वजह से। और ये मैंने 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया, थोड़े मसाले वाली दाल बना रही हूँ। और 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ, और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए क्योंकि ऑलरेडी हल्दी पड़ी हुई है दाल में, थोड़ी सी हल्दी डाल दी 1/2 चम्मच करीब। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जिससे कि आपके मसाले जले ना। 1/2 कटोरी से भी कम मैं पानी ले रही हूँ, वो पानी डाल दूँगी, बस इतना पानी डालना कि आपके मसाले जले ना अच्छे तरीके से, आपके भुन जाए और एक ग्रेवी तैयार हो जाए जो कि हम दाल में डालेंगे। अच्छी तरीके से टमाटरों को ढक के पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक, और अच्छी ग्रेवी में जब तक तेल सेपरेट ना होने लगे तब तक इसे पका लेंगे हम। और फिर जब अच्छी तरीके से तेल सेपरेट हो जाए फिर इसमें दाल डाल देंगे। अब मैं इसे अच्छी तरीके से भून लिया है, टमाटर हमारे अच्छी तरीके से भून गए, और जो हमारी मैंने दाल बनाई है वो इसमें मैं डाल दूँगी। और देखिए साइड साइड तेल भी सेपरेट हो रहा है, ये जो मिक्स दाल है पंचमेल मिक्स दाल है, इसमें जो भी दाल हो जाते हैं बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैं पानी को ऐड कर देंगी क्योंकि दाल को थोड़ी देर और पकाएंगे जिससे कि जो आपके मसाले और प्याज टमाटर का जो फ्लेवर है दाल में अच्छे से आए, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अच्छे से फिर थोड़ा सा 1-2-3 मिनट तक ढक के नहीं पकाएंगे, ऐसे खुले में पका लेंगे, और अच्छा कलर भी आ जाएगा और स्वाद भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। ऐसे आप नॉर्मली भी दाल बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाटी के साथ बनाएं, इस तरह भी आप इसे रोटी और राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इस पर एक ऊपर से तड़का लगाएंगे।
दाल को मैंने ढक दिया था, देखिए कितनी मतलब जिससे जल्दी बॉयल्ड आ जाए और अच्छी तरीके से पक चुकी है दाल और अच्छा फ्लेवर आ चुका है दाल में, सारे मसाले और दाल एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और अच्छा फ्लेवर आ चुका है। अब मैं इसमें इस हटा के रख दूँ, मैं एक दाल का ऊपर से तड़का लगा रही, इससे दाल का जो स्वाद है जस्ट डबल हो जाता है। देसी घी मैंने लगभग 2 टेबल स्पून लिया है, आप चाहे तो तड़का पैन में लगा सकते हैं, हमारे पास तड़का पैन नहीं है तो मैं इसलिए चमचे में लगा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया, लगभग 1.5 चम्मच आपका जीरा डाल दिया, अच्छी तरीके से जीरा चटक जाए। और 2 मैं साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ, पहले जीरा आपका अच्छे तरीके से चटक जाए फिर आप लाल साबुत मिर्च डालिए। ये देखिए हमारा जीरा अच्छी तरीके से चटक चुका है ऑलरेडी, अब डाल देती हूँ मैं ये लाल मिर्च। और लाल मिर्च डालने में थोड़ी सी आप हींग डाल दिए, गैस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, चम्मच से आप चला दीजिए जिससे कि आपकी मिर्च अच्छी तरीके से भुन जाए। और थोड़ी सी मैं हींग डाल दे रही हूँ, पहले मैंने ऑलरेडी हींग डाल दी थोड़ी सी। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन ऊपर से लहसुन का तड़का लगा सकते हैं, लहसुन नहीं खाते इसलिए लहसुन का तड़का नहीं लगा रहे। मैं थोड़ी इसमें जो हींग है एक चुटकी का, मैं इसमें 2 चुटकी डाल रही हूँ क्योंकि इसका हींग का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी आप लाल मिर्च डाल दीजिए, जरा सी, आधे चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च डाल दी, जिससे कि आपका जो टेस्ट है चोपटे में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लाल मिर्च पिसी का भी। तो अब मैं इसमें तड़का लगा दे रही हूँ फटाक से। ये देखिए हमारी दाल पक चुकी थी, बस इसे ढक दीजिए तुरंत और हमारा तड़का लग चुका है, दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बाफला बाटी बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, लगभग 1.5 कटोरी आटा, तो ये आधी कटोरी से ज़्यादा थोड़ी सूजी है, इसे मिक्स कर दूंगी। सभी चीज़ों को दोनों गेहूं के आटे और सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए, ऐसे आप रवा भी कहते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली, अजवाइन को आप डाल दीजिए, अजवाइन डालने के बाद आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दीजिए आटे में। मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है, छोटा वाला जो चम्मच होता है वो मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बाकी जो हमने दही लिया है, मैंने आधी कटोरी लगभग दही लिया है, और इस दही को भी इसमें डाल देंगे। पहले एक बीच में होल बना लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कर लीजिए, इसमें मैं दही डाल दूँगी और जो हमने देसी घी थोड़ा सा डालेंगे, ये मैंने लगभग 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दही है वो डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी को मैं गर्म कर लूँगी। पहले दही को अच्छे तरीके से, दही और घी को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए और एक सॉफ्ट डो लगा लीजिए, जैसे आप रोटी का डो लगाते हैं वैसे सॉफ्ट डो लगाइए, क्योंकि हमने सूजी डाली वो फूलती है तो अपना आपका जो डो है वो तो वैसे ही आपका टाइट हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है और इस डो को गर्म पानी से ही गूंथते हैं। दही और दही डालने से आपकी सॉफ्ट बनती है और आपका घी डालने से भी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा घी डाला, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है आपका बाटियों में। और ये मैं बाफला बाटी बना रही हूँ और आटे को डो लगा लूँगी मैं, एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे जैसा रोटी का लगाते हैं। मैंने एक सॉफ्ट डो लगा लिया है, इसके ऊपर से थोड़ा सा आप घी लगा दीजिए। मैं इसे कटोरे किसी बर्तन में करके ढक के रख दूँगी और कम से कम 15 मिनट के लिए इसे आप ढक के रख दीजिए, तब तक आप दूसरी तैयारी कर लीजिए। मैंने आटे को लगाकर 10 मिनट तक रख दिया है रेस्ट करने के लिए, तब तक मैं साइड में एक पतीले में या भगोने में एक गर्म पानी करने के लिए रख देंगे। जितना आपकी बाटियाँ हैं, इतना बड़ा बर्तन लेना है कि आपकी बाटियाँ उसमें डूब जाएं, तो गर्म पानी को जब तक आपका बॉयल्ड अच्छे तरीके से पानी में उबाल ना आ जाए तब तक आप बाटियों को बॉयल्ड करेंगे। और मैंने इस बर्तन में रख दिया है पानी 10 मिनट तक बॉयल्ड होने। 10 मिनट हो चुका है आटा रखे हुए, और मैं इसकी जिस तरह आप लोई बनाते हैं चिकनी करके, और ऐसे आप बना ऐसे कर लेंगे। सभी बाटियों को एक प्लेट में रख लेंगे, जितनी भी आप साइज रखना चाहे उतनी साइज रख सकते हैं। बॉइल कर लिया,
पानी में बॉइल आ रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है, पानी एकदम अच्छे से बॉइल्ड आ चुका है। और अब मैं बाटियाँ, जो बाटी हैं वो बना ले रही हूँ फटाफट। और बाटियों को एक टिप्स है हमारी कि जब बाटियाँ इसमें बॉइल्ड करिएगा तो सारी बाटियों को एक साथ में डालिए, एक एक करके आराम से डालिए, और पानी एकदम अच्छी तरीके से बॉइल्ड होना चाहिए, तभी बाटी आपकी अच्छी तरीके अंदर तक पक पाएंगी। जैसे कि हमारी बाटियां चिपके ना, और एक एक करके मैं बाटियों को डाल दे रही हूँ। और मैं इसे ढक कर कम से कम 16 मिनट तक पका लूँ, इस बीच में इसे पलट दीजिए। इसे बीच बीच में आप चला दीजिए। मैंने बाटियों को अच्छी तरीके से बॉइल कर लिया है, अब बीच बीच में इन्हें उलट पलट कर दिया जैसे कि सभी तरफ आपकी बाटियाँ अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो जाएं। क्योंकि हम वाफला बाटी बना रहे हैं तो हम इसे पानी में बॉइल्ड करके वाफला बाटी बनाते हैं। तो सभी बाटियों को अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कर दीजिए और इसे ढक कर फिर 15 से 16 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाइए। ऑलमोस्ट सभी बाटियों को बनाने में उबालने में 15 से 16 मिनट का समय लगेगा। हमारी दाल की ग्रेवी बन रही है, साथ ही साथ काम कर रहे हैं जैसे कि जल्दी बन जाए और समय न लगे। अभी हमारी बाटियाँ लगभग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी, कम से कम 15 से 16 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरीके से बॉइल्ड आ चुका और पक भी चुके हैं। अब इन सभी बाटियों को स्ट्रेन कर लेंगे पानी से और एक एक करके सभी बाटियों को निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसे कढ़ाई में बनाएंगे हम। सभी बाटियों को मैंने निकाल लिया एक एक करके, सभी बाटियाँ अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो चुकी। देखिए फूल के डबल हो गई हैं, छोटी छोटी थी, अब देखिए कितने फूल के जस्ट डबल हो जाते हैं बॉइल्ड आने पे। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ चुका है इनका। बाटियों को मैं ठंडा करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए रखूंगी, और उसके बाद आप चाहे तो उसे ओवन में प्रीहीट कर बना सकते हैं 200 सेंटीग्रेड पे। मैं हमारे पास ओवन नहीं तो मैं कढ़ाई में इसे बनाऊंगी 20-25 मिनट के लिए। बिल्कुल गैस फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, पहले हमारी बाटियाँ हैं वो ठंडी हो जाएं। 10 मिनट लगेगा ठंडी होने में, और अच्छी तरीके से जब ठंडी हो जाए फिर इसे मैं प्रीहीट करूँगी। चल रही हूँ तो मैं हल्का सा देसी घी में डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, हल्का सा आप ग्रीस कर दीजिए ब्रश की हेल्प से, चारों तरफ आप लगा दीजिए, फिर इसमें एक एक करके बाटियों को रख दीजिए। पूरी अच्छी तरीके से आप ऑयलिंग कर दीजिए और ये बाटी हमारी बॉयल की हुई हैं, सभी को एक एक करके आप लगा दीजिए। जितना स्पेस है बाटियों में, आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हैं ढककर, हमारे पास कढ़ाई बड़ी है तो मैं उसी कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। तो एक एक करके जितनी भी बाटियाँ आ सकती है इसमें मैं सभी बाटियों को रख दे रही हूँ, और फिर मैं इसे ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे, एक और आ जाएगी लगभग। तो इन सभी बाटियों को अच्छे तरीके से ढक के मैंने 20 से 25 मिनट तक पकाया, बीच बीच में मैंने पलट दिया इन्हें। बाटियों पर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा घी लगा दे जिससे कि अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएँ, इसीलिए हल्का हल्का सा घी लगा रहे हैं और ये फटाफट हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बीच बीच में अपने पलटते रहिएगा, 15 से 20 मिनट लगता है। बिल्कुल स्लो गैस पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा क्रिस्पीपन, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी रहेंगी और अंदर एकदम सॉफ्ट रहेंगी, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। इसे मैंने लिड से ढक दिया है, कम से कम 20 मिनट लगे। बाटियों को मैंने कढ़ाई में अच्छे तरीके से सेट कर दिया, फिर लिड को ढक दिया है। कम से कम इन बाटियों को 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल मीडियम गैस फ्लेम पे इसे पकाना है, और धीरे धीरे सिक जाएंगे और एकदम क्रिस्पीपन आएगा, ऊपर से एकदम क्रिस्पी होंगे अंदर से एकदम नरम। चलिए बन रही है, 15-20 मिनट लगेगा और हमें, और ये दाल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। दाल बाटी बना रही हूँ, दाल बाफला बाटी, और हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है जो कि मैंने आपको दिखाया था, कि मैंने चौक वगैरह लगा दिया है। बाटियों को मैंने एक एक करके पलटे की मदद से अभी इसे एक साइड में मैंने अच्छी तरीके से पलट दिया है,
और ये सिक जाएंगे। तो मैं ढक दे रही 2 से 3 मिनट तक। इसे मैं गैस फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है और ये इसे कम से कम 5-10 मिनट और पकाऊंगी मैं। अच्छी तरीके से हमारी बाटियां सिक रही हैं। सभी बाटियों को मैंने दोनों साइड से सेक लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। देखिए सभी बाटियां ऐसी मैंने देखिए सेक ली हैं, अच्छी तरीके से सेक ली है। अब इसे मैं तोड़ दे रही हूँ, अरे अंदर से भी सीखते हैं और इसमें घी डाल देते हैं। सभी बाटियों को मैंने दोनों साइड से सेक लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। देखिए सभी बाटियां ऐसी मैंने देखिए सेक ली हैं। सभी बाटियों को मैंने एक एक करके सेक लिया है। अब इसकी बाटियों में ऊपर से आप घी डाल दीजिए, फोड के देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत ही खाने में टेस्टी बनी थी, बहुत क्रिस्पी थी, बिल्कुल कढ़ाई में एकदम बिल्कुल जैसे आप बनाते हैं ओवन वगैरह में वैसे ही बिल्कुल स्वाद आ रहा था। ऊपर से मैंने दाल में थोड़ा सा घी डाल दिया और मैं इसे दाल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो आप बैंगन के भरते या चोखे के साथ भी सर्व कर सकते हैं इन बाटियों को। और देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आज मैंने आप सभी के साथ बाफला दाल बाटी रेसिपी शेयर की है, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर घर में ट्राई करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक घंटी वाला बेल आइकन आता है, जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर है तो घंटी वाला बेल आइकन दबाइएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। रियांश गुड नाइट, रियांश सोने जा रहे हैं इसलिए वो फीड दूर तो बॉटल से करते हैं, तो वही अपना सोने जा रहे हैं रियांश। चलिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। रियांश भी बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और कोरोना से बचे रहिए।